डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मुग्धा का दूसरा पाठ सांप की मणि पढ़ा रही हूँ। ये एक यात्रा वर्णन है और इस पाठ के लेखक श्री प्रेमचंद जी हैं। श्री प्रेमचंद ने इसमें अपने एक यात्रा का अनुभव लिखा है और यात्रा हमेशा ही शिक्षाप्रद होती है और आप सबको भी यात्रा करना बहुत प्रिय होगा। किसी शायर ने भी कहा है कि सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो यात्रा हमेशा ही हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो इस पाठ में भी प्रेमचंद जी ने कोलंबो की यात्रा की और ये यात्रा उन्होंने एक जहाज़ से की थी। उन दिनों वो एक जहाज़ पे काम किया करते थे, शिप में, और उन्हें जब कोलंबो जाने का अवसर मिला तो वहाँ पर उनके एक मित्र थे जिसे उन्होंने पहले ही पत्र लिखकर सूचित कर दिया कि मैं आ रहा हूँ, और उनके मित्र वहाँ उन्हें घाट पर लेने भी आते हैं। घाट मतलब जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं। तो वहाँ पर लेखक जब मित्र से मिलते हैं तो कोलंबो के बारे में चर्चा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ की सीप अर्थात शंख जो समुद्र के किनारे मिलते हैं उसके विषय में बात करते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ, उसके बारे में बहुत सुना है। तो मित्र बोलते हैं कि उससे भी ज़्यादा कीमती एक चीज़ है यहाँ पर, सांप की मणि। और लेखक को ये सुनकर विश्वास नहीं होता क्योंकि उन्होंने तो सांप की मणि के विषय में सिर्फ कहानियों में, किस्से कहानियों में ऐसे सुना था, कभी सच में उसको देखेंगे ऐसा नहीं सोचा, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं होता। तो उनके मित्र उन्हें समझाते हैं कि हम जैसे ही अवसर मिलेगा आपको अवश्य दिखाएंगे। और वैसे उन्हें समय मिलता है, एक व्यक्ति आके ये सूचना देता है कि वहाँ पे एक सांप को देखा गया है मणि के साथ। वहाँ पे वो पहुँचते हैं, उस व्यक्ति के साथ लेखक पहुँचते हैं, रात का समय था, और देखते हैं कि मणि सांप ने रख दिया एक जगह जिससे प्रकाश फैल रहा था और उस प्रकाश में वह कीड़े मकोड़ों को खाता है। लेखक सोचते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर मेरे पास बंदूक होता तो मैं अभी उसको मार देता और वो मणि ले लेता। तो वो व्यक्ति कहता है कि उसकी बंदूक की आवश्यकता नहीं, देखिए मैं अभी क्या करता हूँ, और वो जाकर कीचड़ लेकर आता है और लेखक से कहता है कि आप इस पेड़ पे चढ़ जाए, और वो स्वयं भी चढ़ जाता है, उस ठीक उसके डालियों पे चढ़ता हुआ वो ठीक मणि के ऊपर पहुंचता है और वो कीचड़ फेंक देता है और वो मणि उसके अंदर आ जाता है और अंधेरा छा जाता है, सांप वहाँ से भाग जाता है। जब लेखक उतरने लगते हैं तो व्यक्ति रोकता है कि अभी सुबह तक इंतज़ार करना है क्योंकि सांप वहीं कहीं होगा। और सुबह जब लेखक नीचे आते हैं उन्हें वो मणि मिल जाती है, तब लेखक सोचने लगते हैं कि क्या ये वही मणि है, कितना कुछ सुना है इसके बारे में कि इसका मोल 7 बादशाहों के बराबर होता है, इतना कुछ सुना है। तो वो उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने लगते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि एक किस्म का पत्थर है जो गर्म होने पर प्रकाश देने लगता है और जब ठंडा होता है वो प्रकाश ख़त्म हो जाता है। इस तरह उन्हें एक नई जानकारी मिलती है सांप की मणि के बारे में। तो यही इस कहानी की मुख्य घटना थी। और अब इसके विषय में, इस पाठ से संबंधित जो भी शब्द अर्थ हैं, प्रश्न उत्तर हैं, वो सब कुछ आपको स्नैप होमवर्क में भेजा जाएगा। एक कॉपी बना लीजिए और उसमें इस ये जो कहानी मैंने अभी सुनाई है इसको अपने शब्दों में लिखिए और फिर जो भी भेजे जाएंगे उस अभ्यास कार्य उसे अपने उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा।